अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राशिद है और आज मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप सिग्नेचर सेट कर सकते हैं। गियर पे आएंगे, ठीक है, सेटिंग में जाएंगे। यहाँ से सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको ये नज़र आएगा सिग्नेचर, नो सिग्नेचर और सिग्नेचर को मैंने किया अनेबल कर दिया। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप यहाँ पर सिग्नेचर बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा रिगार्ड्स, रिगार्ड्स लिखने के बाद लिखा मैंने माई ई ट्यूटोरियल, ठीक है। उसके बाद लिखा मैंने मेरा फेसबुक पेज, ठीक है, और इनको मैं ले गया थोड़ा नीचे। और उसके बाद मैं यहाँ पे आप देखें, इसका मतलब है लैंग्वेज, उसका लैंग्वेज का डिफरेंट है इसमें, नॉर्मल यूज और ये कर सकते हैं आप। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये कलर है, कोई लिंक, कोई पिक्चर, ठीक है, और बाकी ये सारी चीज़ें सिंपल सी हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और एक्सेल में यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे मैं एक पिक्चर जो है वो अपलोड कराना चाहता हूँ। मैंने क्लिक किया इस पर, ये पिक्चर यहाँ पे पहले से पड़ी हुई है, आप अपलोड भी करवा सकते हैं अगर यहाँ पे ना पड़ी हो। इस पर क्लिक करके इसको मैं स्मॉल कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर मोर इन्फो कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। और जो माई ई ट्यूटोरियल है इसको मैं यहाँ पे लिंक करवा देता हूँ, जो मेरा यूट्यूब का चैनल है, और इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से इसको ओके कर दिया। और जो मेरा फेसबुक पेज है उसको मैं करवा दूँगा अपने फेसबुक पेज के लिंक के साथ। मेरे फेसबुक का है facebook.com/myeTutorial, ठीक है। इसको मैं यहाँ से ओके करवा के, और इनका आप थोड़ा साइज़ बढ़ा कर दें, इनको आप कर सकते हैं 1.5 लार्ज कर दें, ठीक है। इनका कलर चेंज कर सकते हैं आप अगर करना चाहें तो, ठीक है। और अब मैं सिंपली जाके इसको यहाँ से सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद जब भी मैं कोई नई मेल करूँगा, यहाँ से कंपोज करूँगा, तो ये सिग्नेचर इसके अंदर पहले से ही होंगे। और अगर यहाँ पे आगे कोई लिंक करेगा तो उसको यहाँ से मेरे फेसबुक, सॉरी, मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, और अगर वो यहाँ से क्लिक करेगा इस पर आकर उसको फेसबुक का मिल जाएगा। तो आज मैंने आपको बताना था कि किस तरह से सिग्नेचर को आप इनेबल कर सकते हैं अपने, अगर आप कोई भी स्मॉल बिजनेस करते हैं तो आपको ये सिग्नेचर यूज़ करना चाहिए उसमें। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट हम इससे आगे बात करेंगे। शुक्रिया।